अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट में भव्य झांकियों के साथ निकली भगवान वामन की शुभ यात्रा। बहराइच जनपद में दिनांक 12/9/2018 को वन युवक श्री रामचरित मानस प्रचार समिति द्वारा भगवान वामन का जन्म उत्सव 18वें वर्ष उत्सव और श्री रामचरित मानस का नवाहन प्रयाण पाठ आयोजन कर शुभ यात्रा के साथ भव्य झांकियां मुन्नी बाबा आश्रम रामलीला मैदान से निकलकर शहर के मुख्य चौराहे से होकर सांसद ब्रजभूषण सिंह की कोठी गोनार्द लान पहुंचकर कलश स्थापना के साथ संपन्न हुई। शुभ यात्रा में अलग अलग रथ में सीताराम दरबारा कन्हैया भारत माता लक्ष्मी माता शिव दरबार राधा कृष्णा हनुमान व वमन भगवान के साथ साधु संत की भव्य झांकियां लोगों को आक्रोशित करने का केंद्र बनी रही। बहराइच से उमा शंकर गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के थाना क्षेत्र डिगई तेराहा पर थाना दरगाह शरीफ के प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव के नेतृत्व में उप निरीक्षक विजय सिंह व बख्शीपुर चौकी इंचार्ज सुनील कुमार वर्मा एसआई सौरभ सिंह व एसआई संतोष कुमार सिंह द्वारा डिगई तेराहा पर गाड़ियों के सघन चेकिंग अभियान लगाकर मुस्तैदी से जाँच कर 40 गाड़ियों का किया गया चालान और वी मार्ट मॉल पर आए ग्राहकों से सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के अतिक्रमणों से लगे जाम को लेकर मॉल के मैनेजर को अंडर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने की व सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने की दी हिदायत। जाम को लेकर सड़कों पर खड़ी गाड़ियां अन्य गाड़ियों को भी की गई पूछताछ। बहराइच से राहुल मणि की रिपोर्ट। बढ़िया फोटो देना वीडियो है। अरे साहेब की तरफ से लगी देखो देखो पूछा से पूछे का तुरंत बनाए
उनकी नहीं आईडी।